हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। आज के इस वीडियो में मैं उन 7 हैबिट्स या उन 7 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाने से जो व्यक्ति इस सिक्योरिटी गार्ड के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको उस क्षेत्र में प्रगति करने या उनका ग्रोथ करने में मददगार साबित होगी। सिक्योरिटी के कार्यक्षेत्र में जो पहला हैबिट होनी चाहिए वो है ऑनेस्टी या ईमानदारी। जैसे हम सबको पता है, जब भी हम सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है सुरक्षा और भरोसा। सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्यक्षेत्र में अनऑथराइज एंट्री या अनधिकृत एंट्री को रोके और वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय और प्रॉपर्टी को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे में एक सिक्योरिटी गार्ड को ईमानदार और विश्वासी होना जरूरी है ताकि वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉय और आपका जो क्लाइंट है उसमें आपकी ये साख बन सके कि हाँ, मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटी टीम पर बहुत भरोसा करती है और उनको अनलिमिटेड एक्सेस देती है ताकि वो कहीं भी फ्रीली आ जा सके, और जो रिस्ट्रिक्टेड प्रतिष्ठान है या ऐसे जगह जहाँ पर लोग नहीं जा सकते वहाँ पर सिक्योरिटी को अलाउ किया जाता है जाने के लिए। आपने बहुत सारा किस्सा सुना होगा जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को बहुत कीमती सामान मिलने के बाद भी वो वापस कर दिया है। तो ये सब हमारी एक ईमानदारी की पहचान है और ये हमारा साख को स्ट्रांग करता है। नंबर 2 है अलर्टनेस और विजिलेंट, सतर्कता या चौकस। सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो हम एक शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निगरानी करना। हम तभी किसी चीज़ की निगरानी कर सकते हैं जब हम अपने ड्यूटी पोस्ट पे अलर्ट हैं और हमारा फोकस्ड हमारे ड्यूटी के ऊपर हो। सिक्योरिटी गार्ड की आदत में ये होना चाहिए कि वो आसपास होने वाले इररिलेवेंट और या अनावश्यक बातचीत या एक्टिविटी पे वो फोकस ना करे। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ड्यूटी या ऐसी घटनाओं पे होना चाहिए जिससे उनकी कंपनी में किसी तरह का सुरक्षा रिलेटेड कोई थ्रेट हो सकता है। अगर हम ड्यूटी में अपना ध्यान को केंद्रित नहीं रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट बातचीत हो सकता है हम मिस कर दें या ऐसी कोई घटना हमसे छूट जाए जिससे कंपनी को कोई इम्पैक्ट हो सकता है। इस बात को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति या कोई चोर किसी घटना की प्लानिंग कर रहा है तो वो सबसे पहले उपयुक्त समय को देखता है और ये भी देखता है कि जो गार्ड वहाँ मौजूद है वो गार्ड किस समय अलर्ट नहीं रहते हैं या कौन सा पर्टिकुलर गार्ड अलर्ट नहीं रहता है। तो वो घटना करने से पहले वो ये चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही वो घटना करता है। अगर आप पूर्व घटित घटनाओं के बारे में, कोई चोरी की घटना हो चाहे आपराधिक घटना हो, जब आप उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी घटनाएं अक्सर तब होती है जब गार्ड अलर्ट नहीं रहता है। बेसिकली रात के समय पर जब गार्ड थोड़े रिलैक्स होते हैं या जब शिफ्ट टाइम ओवर होता है और हैंड ओवर टेक ओवर रिलीविंग का टाइम चलता है तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो गलत इंटेंशन से आपके कंपनी में आए हैं, आपके कार्यक्षेत्र में आए हैं, वो इस चीज़ों को देखते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड की आदत ये होनी चाहिए कि वो अपने ड्यूटी पीरियड में हमेशा अलर्ट हो और अपने आसपास होने वाली चीज़ों पर नज़र बनाए रखे। तीसरी आदत या हैबिट है प्रोएक्टिवनेस। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोएक्टिव और दूसरे होते हैं रिएक्टिव। सरल भाषा में कहें तो प्रोएक्टिव लोग रिस्क को पूर्वानुमान कर लेते हैं और घटना होने से पहले ही उनका प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लेते हैं, और वहीं रिएक्टिव लोग घटना होने का इंतजार करते हैं और घटना होने के बाद एक्शन में आते हैं। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हैं जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और कैरियर में ग्रो कर सके।
वैसे ही रिएक्टिव लोग के पास कोई प्लान नहीं होता है, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और उनके पास ना प्रेजेंट का कोई प्लानिंग होता है ना फ्यूचर का कोई प्लानिंग होता है। सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस का बहुत महत्व होता है। आज हम एक उदाहरण से समझेंगे प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस क्या होता है। आज गार्ड ए की ड्यूटी पेट्रोलिंग में लगी है। जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसने देखा कि एक बिल्डिंग के एक फ्लोर में फायर एग्जिट डोर के पास कुछ सामान रखा हुआ है जिससे वो फायर एग्जिट डोर का रास्ता बंद है। उसने इमिडिएटली अपने सुपरवाइजर को ये चीज़ अपडेट किया और फिर वो आगे बढ़ गया। वैसे ही जब गार्ड बी की ड्यूटी लगी हुई थी और उसने भी वही देखा कि फायर एग्जिट डोर में कुछ सामान रखा हुआ जिससे फायर एग्जिट डोर का रास्ता बंद है, उसने इमिडिएटली अपने सुपरवाइजर को अपडेट किया और आजू बाजू मौजूद सपोर्ट सर्विस के जो बंदे रहते हैं उनके मदद से उन्होंने वो जो सामान रखा हुआ था उसको वहाँ से तुरंत हटाया। अब आप बताइए कि किसका रवैया प्रोएक्टिव था और किसका रिएक्टिव था। जी हाँ दोस्तों, गार्ड बी का रवैया प्रोएक्टिव था क्योंकि उसने रिस्क को समझा। उसने देखा कि अगर वो सामान तुरंत नहीं हटाया गया और इस बीच कंपनी में अगर फायर हो गया तो बहुत सारे लोग फंस सकते हैं जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उसने समय ना गंवा के तुरंत अपने तरीके से प्रोएक्टिवली चीज़ों को हैंडल किया और वहाँ रास्ता को क्लियर किया। वहीं गार्ड ए के पास कोई प्लानिंग नहीं था, उसने अपने सुपरवाइजर को बता के अपनी ड्यूटी निभा दी और वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया। जो व्यक्ति रिएक्टिव सोच के होते हैं वो हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरे के सर पर चढ़ा देते हैं, जैसे मुझे उनकी बात समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे रिलीवर ने मुझे जानकारी नहीं दिया, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिला इस सब्जेक्ट के बारे में इसलिए मैंने ये काम सही से नहीं किया। वहीं प्रोएक्टिव लोग खुद की जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं। ड्यूटी आवर्स में वह टाइम पे आके अपने रिलीवर से प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं। अगर उनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अगर उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो प्रोएक्टिवली अपने सुपरवाइजर एसओ के पास जाके बोलते हैं, सर मुझे इसके बारे में ट्रेनिंग दीजिए, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, या जब सुपरवाइजर राउंड में आते हैं तो उनसे पूछते हैं, पूछ के अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। और एक दूसरे सिनारियों में जब गार्ड ए राउंड पे जाता है तो वो देखता है कि एक एम्प्लॉय ने अपने वर्क स्टेशन में कोई कीमती सामान भूल के चला गया है। वो देखता है कि उस जगह पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है। वो ये सोचता है कि कल एम्प्लॉय ऑफिस आएगा और अपने सामान को कलेक्ट कर लेगा। वो अपने पेट्रोलिंग सीट में उसकी एंट्री कर देता है और वापस चले आता है। वहीं गार्ड बी सेम परिस्थिति में रिस्क को समझता है कि अगर कीमती सामान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हो सकता है इससे चोरी हो जाए, तो वो अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करके वो सामान को अपने कस्टडी में लेता है और आके गेट पे अपने सुपरवाइजर को हैंडओवर कर देता है। एग्जाम्पल 3 में गार्ड ए गेट पे ड्यूटी कर रहा था। वो गेट पे ड्यूटी करते समय देखा गेट के पास दो व्यक्ति आपस में जोरदार बहस कर रहे हैं। गार्ड ए उस बहस को सुनकर भी नज़रअंदाज कर देता है, इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों व्यक्ति बहस करते करते लड़ाई करने लगते हैं और इससे गेट के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिससे एम्प्लॉय को आने जाने में तकलीफ होती है। वहीं सेम परिस्थिति में गार्ड भी चीज़ों को भाप लेता है और अपने सुपरवाइजर को अपडेट करता है। इससे क्या होता है, सुपरवाइजर स्थिति बिगड़ने से पहले उस चीज़ को जाके मैनेज कर लेता है। ये 3 उदाहरणों में हमने देखा गार्ड ए का रवैया रिएक्टिव था। वो तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक परिस्थितियां उनके विपरीत नहीं गई, जबकि गार्ड बी अपना प्रोएक्टिव रवैया अपनाते हुए हर चीज़ों को तरीके से मैनेज किया और स्थिति बिगड़ने से पहले उसको कंट्रोल कर दिया। इसलिए सिक्योरिटी ड्यूटी में हमारी सोच हमेशा प्रोएक्टिव होनी चाहिए। 4th है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। दिमागी और शारीरिक फिटनेस। जैसा कि आपको पता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मोस्टली बहुत चैलेंजिंग होती है। उनको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि उनको अपना पोस्ट पे बहुत देर तक स्टैंड रहना पड़ता है या किसी खास चीज़ पे फोकस करके रहना पड़ता है, और अलग अलग परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, चाहे वो धूप हो, बारिश हो,
ठंडी का मौसम हो, गार्ड को हमेशा इन्वायरमेंट के विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करना पड़ता है। इसलिए गार्ड को फिजिकल और मेंटल दोनों फिट रहना पड़ता है। अगर एक गार्ड अगर फिट नहीं है तो वो मेंटल डिस्ट्रेस के ऊपर जाता है, जिससे उसकी ड्यूटी करने की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। एक गार्ड का काम बहुत ही चुनौती भरा और थकाऊ होता है, उसे हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ता है। इसके अलावा किसी एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक ड्यूटी करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। ऐसे कई अवसर आते हैं जब उन्हें टाइम पर रिलीव नहीं मिलता है रिफ्रेश होने के लिए, और ऐसा भी होता है कि उनको एक ड्यूटी करने के बाद दूसरी ड्यूटी के लिए कहा जाता है, जिसे हम ओवरटाइम कहते हैं। फिर भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर गार्ड को अपनी ड्यूटी में अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ता है। इसलिए एक गार्ड को अपनी आदतों में अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मानसिक और शारीरिक तरह से स्वस्थ नहीं होंगे तो आपके ऊपर दिए हुए कामों को आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप एम्प्लॉई या प्रॉपर्टी की रक्षा भी सही तरीका से नहीं कर सकते हैं। इस बीच अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, तो आप उस इमरजेंसी को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे अगर आप चुस्त और दुरुस्त नहीं हैं तो। इसलिए सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में जुड़े लोगों को अपनी आदतों में स्वस्थ और एक्टिव रहना जरूरी है। पांचवा है कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने और सुनने की कला। सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में आपको हर रोज तरह तरह के लोगों से बातचीत या मेलजोल करना पड़ता है, चाहे वो किसी को दिशा निर्देश देना हो, या कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करना हो, या कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉई, गेस्ट, विजिटर, वेंडर को डील करना हो, या अपने साथी से ड्यूटी का हैंडओवर टेकओवर लेना देना हो, या फिर अपने सुपरवाइजर या सुपीरियर को किसी घटना के बारे में जानकारी देना हो, अपडेट देना हो, तो आपको हमेशा कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है अपनी ड्यूटी के समय पर। कम्युनिकेशन मुख्यतः चार तरह के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत, एक दूसरे से जो आवाज़ से हम आदान प्रदान करते हैं शब्दों का, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वैसे संवाद से है जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हाथ मिलाना, अपने गर्दन को हाँ या ना में हिलाना इत्यादि। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब वैसे संवाद से है जिनमें हम किसी दृश्य या कोई प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या कोई वीडियोस, फोटोज। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है वैसा कम्युनिकेशन जो हम लिखित रूप से देते हैं, जैसे ईमेल लिखना, एसएमएस लिखना, रिपोर्ट लिखना या सर्कुलर, इस टाइप के जो भी रिपोर्ट्स जो हम लिखित रूप से देते हैं उनको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड के आदतों में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आने वाले वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। नंबर 6, एबिलिटी टू सर्व क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है क्लाइंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की क्षमता। सिक्योरिटी गार्ड को जब कोई ड्यूटी पोस्ट दिया जाता है तो उस पोस्ट के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस रहता है, जिसे हम पोस्ट इंस्ट्रक्शंस या पोस्ट ऑर्डर्स या पोस्ट एंड साइट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, जो क्लाइंट द्वारा दी जाती है और उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से उस गार्ड को वहां काम करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि जो क्लाइंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका वो पालन अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत बारीकी से करे। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की आदतों में ड्यूटी पोस्ट पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छा से पालन कर सके और क्लाइंट को एक बेहतर सर्विस दे सके। 7th है ए गुड टीम प्लेयर। इसका मतलब है टीम का एक अच्छा खिलाड़ी। सिक्योरिटी के क्षेत्र में ड्यूटी अक्सर एक टीम के जैसी होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है और हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसे में अगर हम अपने टीम के साथ बेहतर तालमेल और बेहतर समझ के साथ अगर काम करें तो हमसे कोई गलतियां होने की गुंजाइश कम रहती है। क्योंकि एक गार्ड की ड्यूटी मुख्यतः शिफ्ट पे होती है,
तो ऐसा हो सकता है कि कोई काम आपको दिया गया है और आपने तय सीमा पर ड्यूटी आवर्स में आप पूरा ना कर पाए, तो ऐसे समय में आपको अपना काम अपने रिलीवर को या दूसरे को दे के जाना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि दूसरे भी आपको कोई काम दे के जाए, इसलिए सिक्योरिटी की ड्यूटी में एक टीम की भावना होना बहुत जरूरी है, जिससे कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई इशू भी है तो उसको हम मिलजुल के उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर सुपरवाइजर ने किसी गार्ड को कोई खास काम दिया है और उस गार्ड को वो काम करने में परेशानी हो रहा है और उस काम के बारे में अगर आपकी जानकारी है, तो ऐसे समय में आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई काम दिया गया हो और आप उसके बारे में जानकारी ना हो, तो ऐसे समय पे दूसरे भी आपको हेल्प करेंगे। एक अच्छा टीम प्लेयर होने से आपको आपके कंपनी में, आपके दोस्तों के बीच, आपके कुरियर के बीच एक अच्छा साख बनेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों, यही वो 7 आदतें हैं जिनको अपनाने से आप अपने ड्यूटी क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेस कर सकते हैं और अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल बने रहे और मैं ऐसे ही अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मैं नया वीडियो के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।